क्या आपने कभी डंठल की सब्जी खाई है? नहीं तो आप इस तरह से एक बड़ी सब्जी बनाएं। वैसे तो सब डंठल की सब्जी, गोभी के डंठल सब निकाल कर फेंक देते हैं, पर आप फेंके नहीं और इस तरह से बनाएं। एक बार आप इस तरह से स्वादिष्ट सब्जी खा लेंगे तो कभी भी अपने डंठल नहीं फेंकेंगे। नमस्कार, मैं सुनीता अपने चैनल इजी किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गोभी की डंठल की सब्जी और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। आप एक बार इसे ट्राई ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी नई रेसिपी। हमने ये आधा किलो डंठल लिए हैं, कुछ डंठल बड़े बड़े हैं, इनको दो पीसों में करके फिर उसके हम चार टुकड़े करेंगे। इसी तरह से हम अपने सारे डंठल काट लेंगे। इसके इतने बड़े बड़े ही पीस रखने हैं हमको, छोटे नहीं करने। अगर छोटे हो जाएंगे तो ये खाने में स्वाद नहीं लगेंगे। एक डंठल के हमें चार ही पीस करने हैं और इनको हम कुकर में डालकर सिर्फ एक सीटी लगाएंगे। ये कच्चे डंठल है, कभी कभी पके आते हैं तो उसमें हम दो सीटी लगा सकते हैं, पर इसमें एक से ज़्यादा सीटी ना लगाए, ये गल जाएंगे तो ये फिर अच्छे नहीं लगेगी इसकी सब्जी। हमारे सारे डंठल कट कर रेडी हो गए। अब हम इनको कुकर में डाल देंगे और इसमें एक गिलास पानी डालकर एक सीटी तक पका लेंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में हम दो बड़े चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल इसमें थोड़ा ज़्यादा लगेगा तो ऑयल की कंजूसी ना करें। और अब हम डालेंगे थोड़ी सी हींग और डालेंगे एक बड़ा चम्मच एक चम्मच जीरा। और जीरे को तड़क गया है, ये हमने चार बड़ी प्याज ली थी जिसको बारीक बारीक काट लिया है ग्रेवी बनाने के लिए, इसमें प्याज ज़्यादा डलेगी। और अब इनको हम अच्छे से भून लेंगे। इसमें ज़्यादा मसाले तो गिरते नहीं हैं इसलिए प्याज और टमाटर की ग्रेवी ही बनेगी, इसलिए आप प्याज और टमाटर थोड़ा सही गिरे। प्याज हमारी जल्दी भुन जाए तो इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच नमक और इसको भून लेते हैं। प्याज के साथ हम डाल देते हैं दो हरी मिर्ची, ये तीखी है इसलिए हम दो डालें, इसको हमने बारीक बारीक काट ली थी, और इसको भी हम प्याज के साथ ही भून लेते हैं। इधर हमारे डंठल भी पक गए, अब हम इसका पानी अलग कर देते हैं। प्याज हमारी भुन गई है, अब हम डालेंगे एक से डेढ़ चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। इधर हमने एक प्लेट में मसाले ले लिए हैं, ये डालिए हमने डेढ़ चम्मच लाल मिर्ची, आधा चम्मच नमक, नमक हमने पहले भी डाल दिया था, और ये आधे चम्मच ही हल्दी है, और ये दो चम्मच धनिया पाउडर है। अब इनको भी हम अपने प्याज में ही मिला देते हैं और इसको एक दो मिनट के लिए भून लेंगे। हमारे मसाले भुन गए, अब डालेंगे टमाटर। हमने तीन बड़े टमाटर लिए थे जिनको हमने बड़ा बड़ा ही काट लिया, ये घुल जाएंगे, टमाटर अच्छे से गल जाए इसलिए थोड़ा सा पानी डालकर मिला देते हैं, जिसे मसाले भी टमाटर हमारे जल्दी गल जाए इसके लिए हम प्लेट रख देते हैं। हमने अपने मसाले को ढक के पकाया है 5-7 मिनट के लिए। इधर हमारा मसाला रेडी हो गया है, थोड़े टमाटर खड़े खड़े से हैं, इनको भी हम पलटे की सहायता से मैश कर लेंगे। ये सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए और टमाटर भी गल गए हैं। इधर हमारे डंठल भी उबल के रेडी हो गए, अब हम इसको अपने मसाले में डाल देंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें अब पानी नहीं डालना, मसाले में ही ये पकेंगे, इसीलिए हमने ऑयल ज़्यादा लिया था। इसको ढक के
5-7 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकाएंगे हम। 5 मिनट हो गए, हम अपनी सब्जी चेक कर लेते हैं। ये हमारी सब्जी रेडी हो गई है, देखने में देखो कितनी अच्छी लग रही है, खाने में और भी टेस्टी है। अब कर देंगे गैस बंद और हम आपको सर्व करके भी दिखाते हैं। इसमें डाल देंगे हम ऊपर से हरा धनिया और इसको मिक्स कर देते हैं। ये हमारी गर्मा गर्म डंठल की सब्जी रेडी है। इसे चपाती के साथ खाओ, ये बहुत ही टेस्टी लगती है।